अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी अपने इस कॉर्नर की सफाई कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोची थी कि इसको साफ़ करूँ, लेकिन बस वही टाइम नहीं मिलता। दिन इतने छोटे हैं कि कोई ना कोई काम रह ही जाता है। पहले तो मैंने इसको कॉफ़ी काउंटर बनाया हुआ था और यहाँ पे मैंने कुछ कप्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जगह चेंज होती गई और अब मैंने इसमें अचार, चटनियाँ, सॉसेस, ब्रेड और रस्क वगैरह रखने शुरू कर दिए। तो ये अब मेरा इस तरह वाला काउंटर बन गया। छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं, अचार, चटनियाँ वगैरह, वो मैं यहीं रख लेती हूँ। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और अगर रैक का पूछेंगे तो ये मैंने यहीं से ही लिया था, मुल्तान से। अक्सर चीज़ें मैं यहीं मुल्तान के मार्ट से ही ले लेती हूँ, या फिर अगर कभी पिंडी मेरा चक्कर लगे तो वहाँ से भी कुछ बाय कर लेती हूँ, लेकिन ये रैक वगैरह मैं मोस्टली यहीं से लेती हूँ। और ये छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं पिज़्ज़ा के साथ, बर्गर के साथ, केचप वाले, तो इनको मैं वेस्ट नहीं करती, इनको मैं बॉटल में, जार में भर के रख लेती हूँ, तो ये भी यूज़ हो जाते हैं। और कपड़े ऊपर धुले हुए थे काफ़ी दिनों से, आजकल धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है तो एक ही दिन में ना कपड़े ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इनको इस्त्री करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं और इतने ढेर सारे हो जाते हैं कि फिर इनको इस्त्री करना भी एक अजाब ही लग रहा होता है। तो मैंने कहा चलो पहनने वाले कपड़े जो हैं, क्योंकि मैं इस्त्री ही करके रखती हूँ, तो पहले तो मैंने कहा इनको सब कपड़ों को, जैसे मेरे एक दो सूट थे या मेरे हस्बैंड के थे और बेटी के भी थे, उनको मैं इस्त्री करके आयरन करके रख दूँगी। और चीज़ें कुछ डेकोरेशन की लिविंग रूम के लिए मेरे पास मैंने लेके रखी हुई हैं, लेकिन बस वही कि सुस्ती इतनी हो जाती है और ठंड इतनी एकदम से हो जाती है, शाम इतनी जल्दी होना शुरू हो गई है कि बस 5 बजे दिन ख़त्म, काम ख़त्म, बस आप चुप करके बैठ जाएं, कुछ चाय वाय पी लें या मूँगफली खा लें, काम करने को भी दिल नहीं करता शाम को 5 बजे के बाद। तो 5 बजे से पहले पहले जो है सारे काम निपटा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जी आ गई मैं दोबारा से किचन के अंदर और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चने बॉयल। और चने क्यों बॉयल कर रही हूँ ये फिर शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल जाए। तो बाकी मैं अभी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और मुझे बाहर पे जाना है, इसलिए फटाफट अब मैं कुकिंग करूँगी। और आज मैं सोची थी कि क्या बनाऊँ, तो सबका इरादा था कि चलो आज बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ। यहाँ जी मैंने चिकन ले लिया था और मैं बिरयानी के चिकन को हमेशा मैरिनेट करती हूँ। तो मैंने जी इसमें दही डाल दिया, तकरीबन 2 कप मैंने दही डाला है। और ये मैं बिरयानी मसाला लेकर आई हुई थी ईशान का, तो इसमें क्योंकि ये कोई बजट पैक था इनका, तो छोटे छोटे पैकेट थे 1 kg के हिसाब से, तो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी। अगर 15 से 20 मिनट भी चिकन मैरिनेट हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, चिकन बड़े मज़े का घुल सा जाता है और बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। और आप सुनाएं कि आपकी सर्दियां कैसी गुजर रही हैं, सर्दियों में आपकी क्या रूटीन चल रही है। और आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप अपने काम कितने बजे तक ख़त्म कर लेती हैं, क्या सारा दिन में आपके पूरे काम हो जाते हैं या रह जाते हैं। मेरे तो भाई अक्सर रह जाते हैं काम, हालांकि मैं बड़ी काम करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बस आजकल बहुत ही अजीब से दिन गुजर रहे हैं। बहरहाल जी मैंने यहाँ पे 4-5 टमाटर जो है वो कट करके रख लिए थे, इसी में ही मैं काट के रख लेती हूँ, इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। ये काम पहले भी करके रख सकते हैं, एक दिन पहले भी। और यहाँ पे जी 4-5 हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसमें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं, क्योंकि अब मैं मज़ीद इसमें लाल मिर्चें वगैरह ऐड नहीं करूँगी। और ये मैं कुछ चीज़ें 1-2 दिन पहले लेकर आई थी, बल्कि 4-5 दिन हो गए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई थी। और एक तो मैंने विस्क लिया है, क्योंकि मेरा एक विस्क का तार जो है ना वो टूट गया है। और ये मैंने ली है, ट्रे का पैक मुझे मिला है, ये 200 में ही मिला है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि 1 कप या 1 पानी के ग्लास के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ। साथ में ये माइक्रोफाइबर क्लोथ का मैंने पूरा पैक ले लिया, 8 इसमें होते हैं, ये घर मेरे बड़े काम आते हैं और आपके भी काम आते होंगे, जैसे किचन की डस्टिंग या पूरे घर की डस्टिंग के लिए बहुत काम आते हैं। एक मैंने पलटा लिया है रोटियों के लिए और एक मैंने वुडन ये लिया है जी, डोई सी ली है। और ये 2 कटोरियाँ ये भी इनकी ना ऑफ़र में मिल रही थी, एक 100 रुपये की थी,
तो मुझे अच्छी लग रही थी, इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, तो शाजी ने भी ली थी तो मैंने भी दो ले ली। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें मैंने कुछ ली थी। और एक ही मैंने लिया है जी, कॉफ़ी वाला, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, ये भी ऑफ़र में था, बड़ा सस्ता सा, तो मैंने कहा ले लेती हूँ इसको, मैं यहाँ पे हैंग कर लूँगी, अच्छा लगेगा। ये छोटा सा हैंड टॉवल जो किचन में भी यूज़ हो सकता है और वॉशरूम में भी, मोस्टली किचन में ये ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं, तो ये तो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर लिया। और ये छोटा सा हुक मेरे पास पड़ा हुआ था बटरफ्लाई वाला, तो इसको मैं इधर लगा दूँगी। और लाइट भी अभी चली गई थी, लाइट इतनी ज़्यादा आजकल जाती है, हालाँकि बिजली कम ही यूज़ होती है लेकिन फिर भी बहुत लाइट जाती है, पता नहीं गर्मियों में हमारा क्या हाल होगा। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है चावल बॉयल होने के लिए, और मैं पक्की बासमती के साथ ही बनाती हूँ, सेला चावल जो होते हैं तो उसके साथ ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सेला चावल के साथ बिरयानी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बस उसी के साथ ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे दूसरा मैंने रख दिया पैन इसका सालन बनाने के लिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये बड़ी झटपट वाली बिरयानी है, ये कोई ख़ास कोई इसकी रेसिपी नहीं है, बस ये सिंपल वाली बिरयानी, ये मेरे स्टाइल की बिरयानी है, मैं ऐसे बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिए दो प्याज रफली काट के, साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, और चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने तेज़पात का पत्ता और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला था, और नमक अच्छा खासा डालती हूँ ताकि चावल जो है ना वो फीके से ना बने। अच्छा हल्के से गोल्डन होने लगे ना प्याज, तो मैंने उसमें सारा मिक्सचर डाल दिया था, चिकन और टमाटर और सारा मिक्सचर, बस अब ये पकेगा, चिकन भी गल जाएगा और मसाला भी सारा गल जाएगा, और बड़ा प्यारा सा एक मसाला बन जाएगा। और मैं ना एक दो दिन पहले लेकर आई थी सबस प्याज, बहुत सारा, एक गड्डी पूरी ही ले ली थी मैंने, तो इसको ना मैं कट करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ, ये इतने मेरे काम आती है, कोई चाइनीज़ बनाना है या कोई ऑमलेट बनाना है या वैसे कोई चीज़ बनानी है, तो ये मेरे बड़े काम आता है, तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा मैं ग्रीन पार्ट अलग से फ्रीज़ करती हूँ जिप लॉक बैग में डाल के, और वाइट वाला पार्ट जो है वो मैं अलग यूज़ करती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ में वाइट वाला पार्ट नहीं जाता, सिर्फ ग्रीन जाता है। इस तरह मैं करके ना अलग अलग करके इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो ये बड़े चलते रहते हैं, बड़े मेरे काम आते रहते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी शाजी, क्योंकि हम लोगों ने अभी बाहर जाना था, तो इसलिए वो भी साथ में काम में लग गई है, और वो कह रही थी कि तुम अभी तक कामों में लगी हुई हो। मैंने कहा मैं क्या करूं बहन, इतना कोई काम निकल आते हैं कि बंदा क्या करे। तो जी अच्छी तरह मैंने इसको पहले तो साफ़ कर लिया था, और इनको अच्छी तरह से वॉश करूंगी, इसके बाद इनके छोटे छोटे पीसेस काट के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा यहाँ जी देखें, सालन जो है वो बन चुका था, और चिकन भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था। अच्छा मैंने ना आलू के बग़ैर बिरयानी का कोई मज़ा नहीं है, तो आलू तो भी लाजमी जाते हैं। मैंने पहले क्या किया कि चावलों के साथ ही मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, और अब मैं थोड़ा सा उनको फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर आ जाए। अच्छा चावल मुझे कम क्योंकि लग रहे थे चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से और लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से भी, तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल जो है और बॉईल कर लिए थे, और अब मैं इनकी असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल के लिए डाली है उसके ऊपर बिरयानी की सॉरी मसाले की जो चिकन मसाला है, उसके साथ ही मैंने आलू डाल दिए हैं, और ये फिर से चावल चले गए इसके ऊपर, और ये दोबारा से सालन चला गया, और ऊपर सब्ज़ धनिया जब जाता है ना इसकी, तो मतलब देखने में ना इसका कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। ऊपर से फिर से चावल चले गए, और लास्ट में जो मैंने चावल बॉयल किए थे थोड़े से, वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी, और इस तरह करके बस इसको लेवल करके, और इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, और थोड़ा सा मैंने ना वो डाला है इसके ऊपर फूड कलर, येलो फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर है, ऐसे बड़ा डार्क सा बड़ा प्यारा सा कलर है। इसके ऊपर ये फ्राइड अनियन चले गए जो कि मैंने बाहर से पैकेट लिया हुआ था, और बल्कि मैं सोची थी कि बाहर वाले जो प्याज हैं उल्टा सस्ते हैं जो फ्राई हुए हैं,
और जो वैसे ले लो वो इतने महंगे हैं। बहरहाल मैंने तो वैसे ही किसी और काम के लिए लिया था। और जी बस हम सारे बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत मज़े की बड़ी मसालेदार बिरयानी बनी थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर और बाज़ार जा रहे हैं, कुछ बड़े इम्पोर्टेंट काम थे वो करने जा रहे हैं। और धूप काफ़ी अच्छी अच्छी निकली हुई थी क्योंकि हम लोग बस 3-4 बजे ही निकल आए थे, थोड़ी थोड़ी धूप अभी थी तो अच्छा लग रहा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।